हेलो दोस्तों नमस्ते जय श्री किचन में फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज मैं सिंघी मछली का रस बनाऊंगी तो ये देखिए मैं इसकी रेसिपी दिखाती हूँ तो आधा के जी मैं सिंघी मछली ली हूँ एकदम ताज़ा मछली है तो इसे मछली वाला ही बना के दिया था तो मुझे घर पे नहीं बनाना पड़ा नहीं तो मैं लेती भी नहीं तो इसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ तो पाँच छः पानी से मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ और इसे साफ पानी जब निकल जाए तो इसे निकाल लीजिए और इसमें लहसुन का पेस्ट डालिए एक चम्मच हल्दी डालिए एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डालिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए तो थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाली हूँ ताकि तीखा बने अब देखिए इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ अब देखिए मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ थोड़ा तो सा तलने के लिए ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ क्योंकि मछली उड़ता है तो मैं थोड़ा सा मात्रा में तेल डाली हूँ इसे गर्म कर लेती हूँ अच्छे से अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं मछली इसमें डाल दी हूँ ज़्यादा तेल डालने से क्या होगा सींगी का मछली उड़ जाता है तो उड़ के तेल पड़ जाएगा फेस पर तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेल दे के इसे मैं धीरे धीरे उलट पुलट कर लेती हूँ और अच्छे से तल कर इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैं इसे फ्राई कर ली हूँ ध्यान रहे ज़्यादा लाल नहीं फ्राई करना है ज़्यादा कड़ा नहीं हो ये मछली नहीं तो रस में खाने में मज़ा नहीं लगेगा तो इसी तरह मैं सॉफ़्ट करके मैं सभी मछली को तल लेती हूँ तो देखने में लाल लगता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहता है तो ज़्यादा मैं क्रिस्पी नहीं तली हूँ नॉर्मल तल के निकाल ली हूँ एक प्लेट में अब देखिए इसका मैं मसाला दिखाती हूँ देखिए एक प्याज को मैं पेस्ट बना ली हूँ लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ लाल मिर्च पाउडर का पेस्ट बना हूँ, जीरा गोल की धनिया पाउडर का पेस्ट बना ली और ये एक चम्मच सरसों का पेस्ट बना ली हूँ तो इसके लिए फ़ौरन देखिए अब तो देखिए कढ़ाई में फिर से मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ अब फौरन के लिए मेथी मिर्ची तेजपत्ता मैं डाल दी हूँ और इसे अच्छे से पका लेती हूँ तो पक जाने के बाद सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी तो आधा के जी मछली के लिए मैं ये मसाला दिखाई हूँ सींगी मछली के रस में प्याज बहुत कम पड़ता है इसीलिए मैं एक ही प्याज का पेस्ट डाली हूँ तो ये देखिए मैं सभी पेस्ट इसमें प्याज भून जाने के बाद मैं सभी पेस्ट इसमें डाल देती हूँ और धीरे धीरे से फ्राई कर लेती हूँ तो ये देखिए तीखी लाल मिर्च का भी पेस्ट में इसमें डालती हूँ धनिया गुलकी जीरा का भी पेस्ट में इसमें डालती हूँ और अच्छे से इसे फ्राई कर लेती हूँ सरसों का पेस्ट मैं बाद में डालूंगी उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और अच्छे से मैं मिला लेती हूँ ये देखिए मसाला बहुत तो अच्छे से भुन गए हैं तो अब मैं इसमें सरसों का जो पेस्ट बनाई थी वो मैं इसमें डालूँगी तो मसाला जले नहीं तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ तो अब देखिए ये सरसों का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं भून लूँगी तो ये देखिए थोड़ा सा भुन जाने के बाद इसमें मैं पानी डालती हूँ तो ये सिंघी मछली का रस पतला ही अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं इसका रस इसका ग्रेवी जो है वो पतला मैं बनाऊँगी गाढ़ा नहीं बनाऊँगी तो ये देखिए मैं इसमें रस डालती हूँ तो ये देखिए मैं इसमें पानी डालती हूँ लगभग दो से ढाई गिलास मैं इसमें पानी डाली हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ तो ये देखिए रस मैं उबाल आने के बाद मैं सभी मछली को तो मैं सभी सींगी मछली को इसमें डाल देती हूँ और फिर से चला देती हूँ तो अब देखिए मैं इसमें नमक नहीं डाली थी तो इसमें देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार से नमक डाल रही हूँ और फिर से इसे मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी तो ये देखिए मैं ढक्कन हटा कर दिखाती हूँ तो ये देखिए बहुत अच्छे से मछली में उबाल आ गए हैं कटे हुए धनिया आधा कटे हुए टमाटर छोटा छोटा टुकड़ी में मैं काट के डाल दी हूँ और धनिया के पत्ते काट कर इसमें डाल दी हूँ और फिर से इसे एक बार मिला देती हूँ तो इसका सेंट बहुत अच्छा आ रहा है ये मछली का इस ठंडी के मौसम में गरम गरम चावल के साथ ये सीघी मछली का रस खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो ये देखिए मछली भी मैं निकाल के प्लेट में निकाल के, तो ये देखिए मछली बनकर रेडी है अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ और खाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ तो इसे देखिए मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ तो लीजिए बनकर तैयार है बिहारी स्टाइल में सिंघी मछली के पतले रस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल जयश्री किचन क्विंग को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय